मान साहब का एक बयान आया कि मांस है जिहड़ा वो खा लेना चाहिए, तो मांस मेरे मम्मी डैडी भी खाते रहे हैं, मांस असी खावांगे, असी खाते भी रहे हैं, तो साडा सदियों तो पहला भी खाते रहे हैं, मांस की कोई मनाही नहीं है। पर मैनू एक गल का जवाब संगत जी तुसी देना लोगों ने कि किसी निहंग सिंह ने, वह चाहे शाकाहारी हो, चाहे मांस खाने वाला हो, किसी निहंग सिंह ने किसी भी टीवी चैनल के उत्ते आके ये गल थोपी होे उत्ते आके कि मांस खा लेना चाहिए, मांस खाओ, मांस में थुनिया होवे किसी के मूँह उत्ते, नहीं ना। अमृतपाल जी होनी, बाई होनी बाहर होंगे है, भाई साहब होनी उदों भी तुसी देखो जदों भगौड़े होंगे तो किदा किदा के बयान आते हैं, और जदों वो जदों पंजाब दे विच सेवा कर रहे होंगे तो उदों भी मान साहब के किदा किदा के बयान आते हैं, उल्ट आते हैं। दीप बाई नूं बुलाया गया और वड्डे पद्धर दे उत्ते जिथे 59,000 वोट मान साहब उन्हां नूं पैंदी हुंदी सीगी, उन्हां नूं 5,00,000 वोट है जिहड़ी सारे पंजाब चों मिली। एक अद्धे नूं छड्ड के ना तो दीप बाई का किसी ने पहला साथ दिता तो ना अमृतपाल का साथ दिता, क्योंकि जिहड़े हालात आ पंजाब दे बड़े नाजुक है, इहदे उत्ते आपां नूं सारिआं नूं इकट्ठे होकर बैठण दी लोड़ है और बड़ी संजीदगी दे नाल पंजाब नूं जिहड़ी कि ढहिंदी कला वाले पासे नूं जा रहा है उस नूं खिच्चण दी लोड़ है, चढ़दी कला 'च करन दी लोड़ है। सति श्री अकाल जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं उम्मीद करदा ते आस करदा ते अरदास भी करदा कि तुसी तंदुरुस्त होवोगे ते चढ़दियां कलां विच होवोगे, ते मैं थोड़ी तंदुरुस्ती दी दिलों अरदास करदा। तुसी सारे जानदे ही हो कि आए टाइम दे विच हर टाइम दे विच सियासतदानां वल्लों अपने वख-वख तरहां दे बयान दित्ते जांदे आ, ते कई बयानां दे ट्रोल भी बणदे आ और कई बयानां दे आधार दे उत्ते कुछ लोग गुमराह भी हुंदे ने। मैं पहला तुहानू ये बेनती कर देना चाहुंना, मेरा लाइव सुन लिओ और उस तों बाद च तुसी जो कहना तुसी कह सकदे हो, ते जिहड़े मेरे वीर दूजे है दूसरी साइड दे बुड़कण वाले आ उन्होंने तो बुड़कना भी है, पर जो सच है उस आखिर सच रहिंदा आ और हमेशा अखीर तक रहिंदा आ। मैं तुहानू ये गल दसना चाहुंना, जिवें उह पंजाबी दी कहावत आ कि मरदे ने अक चबिया, मैं मरदे नूं बोलिया, मेरा कोई बोलण दा इरादा नहीं सी और ना मेरा दिल करता सी बोलन नूं, क्योंकि जिहड़े हालात आ पंजाब दे बड़े नाजुक आ, इहदे उत्ते आपां नूं सारिआं नूं इकट्ठे होकर बैठण दी लोड़ है और बड़ी संजीदगी दे नाल पंजाब नूं जिहड़ी कि ढहिंदी कला वाले पासे नूं जा रहा है उस नूं खिच्चण दी लोड़ है, चढ़दी कला 'च करन दी लोड़ है। और मैं तुहानूं इह गल दस देनी चाहुंना कि जदों बाई दीप सिद्धू दा टाइम सीगा और कोई भी सियासतदान, तुसीं दीप बाई दे बयान भी सुने होणगे, उह ट्रैक्टर दे उत्ते बैठे आ कि आप वाले कहिंदे आ कि इह साडा बंदा नहीं आ, अकाली दल वाले कहिंदे आ इह साडा बंदा नहीं आ, कांग्रेस वाले कहिंदे इह साडा बंदा नहीं आ, मान दल वाले कहिंदे इह साडा बंदा नहीं आ, उह कहिंदा मैं जावां तां जावां किहड़े पासे, ते फिर जदों लाल किले झंडा चढ़दा ते फिर उस तों बाद जदों बाई दीप सिद्धू दी जेल चों रिहाई दी जिहड़ी मंग आ उह जिहड़ी वड्डे पद्धर ते पंजाब दे विच उठाई गई और इस चीज़ नूं समझदे होए चलो मान साहब होणा ने उहनां नूं बुलाया, पहलां तां कोई किसे तरहां दा वी पक्ष जां कोई उहनां दे हक च बयान नहीं आ, पर एक तरह वो जदों दीप बाई नूं बुलाया गया और वड्डे पद्धर दे उत्ते जिथे 59,000 वोट मान साहब होणा नूं पैंदी हुंदी सीगी, उहनां नूं 5,00,000 वोट आ जिहड़ी सारे पंजाब चों मिली। और मैं इह तुहानूं साफ भी कर देना चाहुंना कि ते तुसीं इह समझो कि मैं उहनां दे मान साहब उहनां दे खिलाफ़ बोल रहा, नहीं एक शब्द भी नहीं, पर कदों कहिंदे हुंदे आ ना भी जे कोई किसी तरह का होर बयान होवे तां उहनूं टालिया जा सकदा किसी भी तरह का होवे, पर जदों अपनी जिहड़ी है महाराज दे उत्ते गुरु ग्रंथ साहिब दे उत्ते जदों कोई बयान किसी तरह के ढंग दे विच आउंदा आ कि मांस खाण नूं लै के मांस खाणा मांस खा लेना चाहीदा, चलो मैं इस गल दे उत्ते बाद चों आउणा, मैं पहलां तुहानूं इह दसणा चाहुंना कि उस टाइम कोई नहीं आउंदा, इत्थों तक कि जदों अमृतपाल जी होणी बाई होणी बाहर हुंदे आ भाई साहिब होणी उदों भी तुसी देखो जदों भगौड़े होंदे आ तां किदां किदां दे बयान आउंदे आ, और जदों उह जदों पंजाब दे विच सेवा कर रहे होंदे आ तां उदों भी मान साहब दे किदां किदां दे बयान आउंदे आ, उल्ट आउंदे आ। मैं इह तुहानूं साफ साफ दसणा, गुस्से करन वालिआं ने गुस्सा करना भी आ, देखो जो सच है उह कदे आपां उस तों भज नहीं सकदे, और वड्डे वड्डे जिहड़े खाड़कू योधे भी रहे आ साडे पंजाब दे, मैं उहनां दी इज्जत करदा सत्कार करदा, उह चिट्टियां दाड़ियां वाले हो चुके आ, उह पंजाब दे विच है, पर उस टाइम दे उत्ते ना तो एक अद्धे नूं छड्ड के ना तो दीप बाई दा किसी ने पहला साथ दिता तो ना अमृतपाल दा साथ दिता और उल्ट ही बयान आउंदे रहे आ, इह तुहाडे सामने आ।
चलो मैं इन्हां गल्लां नूं ज़्यादा लंबा लेके जाऊँगा तो फिर गल दूर हो जाती है। मान साहब का एक बयान आया कि मांस है जिहड़ा वह खा लेना चाहिए, तो मांस मेरे मम्मी डैडी भी खाते रहे हैं, मांस असी खावांगे, असी खाते भी रहे हैं, तो साडा सदियों तो पहला भी खाते रहे हैं, मांस की कोई मनाही नहीं है। देखो मैं थोनू ये गल स्पष्ट कर देनी चाहना, मैनू बहुत सारे निहंग सिंह जथेबंदियां वड्डे लैवल दी जिहड़ियां जथेबंदियां ने मैं उन्हां दा सत्कार भी करदा और मेरे नाल उन्हां दी खासी जान पछाण आ, जिहड़े मांस खांदे भी है उन्हां नाल भी मेरा प्यार है और जिहड़े शाकाहारी ने उन्हां नाल भी मेरा प्यार है। देखो ये कर्म है, ये रिटर्न मिलने अगले की मर्जी है, वह खा रहे हैं तो वह उन्होंने कर्म ने, उन्होंने जो उन्होंने जो करना वह हर एक भुगतना पैंदा हुंदा, इहदे विच कोई वह नहीं है, ये रिटर्न मिलते हैं। चलो मैं सब की इज्जत करदा पर मैनू एक गल का जवाब संगत जी तुसीं देना लोगों ने कि किसी निहंग सिंह ने, वह चाहे शाकाहारी हो, चाहे मांस खाने वाला हो, किसी निहंग सिंह ने किसी भी टीवी चैनल के उत्ते आके ये गल थोपी हो आके कि मांस खा लेना चाहिए, मांस खाओ, मांस नूं थुन्या हो किसी के मूँह के उत्ते, नहीं ना गल दे उत्ते आयो, कोई नहीं कहता इदा। पर जदों कोई बयान थोपिया जाता हों, कोई सियासतदान जो बयान ने वो सियासत के बच्चे चलते वो कोई गल नहीं, पर जो इस घुमा के कौम के दुविधा खड़ी करी जाती है, मांस मांस कर मूर्ख झगड़े, जो उन्होंने इस गल कही भाई जी, इस गल दे विच मैं तुहानू दसना चाहना कि जिहड़ी मांस खाण वाली गल आई है भी ये मांस खाण दा जिहड़ा विषय है उहदे विच ये कहा गया भी इहदे उत्ते झगड़ो ना, और जिहड़ा इस दे उत्ते मान साहब दे बयान आए ने, मैं मान साहब नूं भी एक गल कह देनी चाहना और मैं सारी संगत नूं और लोगों नूं भी ये गल कह देनी चाहना कि जिहड़ी संत करतार सिंह जी भिंडरां वालियां दे बयान सीगे उन्होंने जो दस्सिया गुरबाणी दे आधार दे उत्ते, देखो उस तों वड्डी तां कोई शख्सियत नहीं ना हो सकती, जां तां फिर असीं उन्हां नूं भी नकार दीए कि वह गलत सन, ठीक है ना, ते जां फिर आ जिहड़े संत करतार सिंह जी दे बयान आउंदे आ ये उस टाइम दे आ जदों वह ये उन्हां दे खुद दे बयान आ, और ये की संत जी की कह रहे ने, मान साहब तुसीं सुणियो, मैनूं पता तुसीं मैनूं चाहे इग्नोर करो पर मैं लोकां नूं जिहड़े साडे जवाक है, नौजवान है, बजुर्ग भी ने, चाहे वह किसी गलत रस्ते दे गलत फहमी दे विच ना आउण, अपने धर्म तों मैनू लोड़ नहीं सी, मैं चाहे मोना को ना मैनू कहोगे कि ये बह गया विद्वान, तो कई बच्चे आउंदे आ कहिंदे फेम लैण नूं, भरावो मेरी गल सुनो, जिहड़ा ये 20-25 जणां दी टीम है फेम लैण नूं बैठा, फेम मैं चंगी तरह दवा दिंदा, मेरे वाले भेज ती आ जाओ, एडा डंडा चढ़ना सरकारां देखदियां आ, ये फेम फूम वाले दे विच कोई चक्कर नहीं, ते आ देखो जी संत करतार सिंह जी की कहिंदे आ, जे वीडियो की आवाज आती हो दस दियो, कबीर भांग बल्कि कोई भी मांस नहीं खाना, अर्थ ता ये अखर ता सिद्धे नहीं, अर्थ भी सिद्धे है, पता नहीं बाल बुल कितों पाउंदे है, हजूर सच्चे पातशाह भगत कबीर जी के रफ्तार द्वारा कहिंदे ने भांग मछली थोड़ा शराब का ना है, पान चबर का ना है, जो जो प्राणी खाए तीर्थ वर्त नेम किया है सब हासिल जा, नरकों जाएगा, इन्हें चीजों वर्तन वाला सब कुछ करना करवा होया, तो खालसा जी इन्हें चीजा सारिया तो बचाया, पाल कोई नशा गुरु के सिख नूं ना लगे, अमल केवल बाहरला अमल दाल से प्रशादे का, सच्चा अमल गुरु के नाम का, गुरु की बाणी का, और कोई अमल साडे नेड़े नहीं आउण दित्ता गया है, पान सुपारी खातिया मुखबीरियां लाइया चौथे पातशाह धर्म गुरु रामदास के बचन। हुण इह गल मैं तां कही नहीं, ना तां मैं कोई विद्वान हां ते ना मैं कोई एडा तगड़ा इतिहासकार हां, सो इस गल नूं समझण दी लोड़ है, मैं फिर एक जगह दे उत्ते जिहड़ी संत जरनैल सिंह जी भिंडरां वाले दी कथा हुंदी आ, उन्होंने भी अपनी कथा दे विच दस्सिया आ, उन्होंने यह दस्सिया आ कि संत ईशर सिंह जी बैबल वालियां दे कोल एक जिहड़ा विद्वान अपने आप नूं बड़ा मन्नदा सीगा मास दे उत्ते, उन्हें हर एक जगह दे उत्ते कथा हुंदियां सी, उत्थे जांदा हुंदा सी और यह गल कहिंदा हुंदा सी वार वार कि जां मांस खाओ जां दुध छड्डो, जां मांस खाओ जां दुध छड्डो, देखो उस दे विच जदों वो अपना
संत ईश्वर सिंह जी बैबल वालियां दे कोल पहुंचे पहुंचिया वो विद्वान उन्हें ये गल कही कहिंदा जां मांस खाओ जां मांस खाओ जां जां दुध छड्डो वो ये लिख के उन्हें पहला पत्र लिख के दिता होया सी और उन्होंने संतां ने जदों खड़ा कर लिया कहिंदे भी इस दे उत्ते तू पुछना सवाल उन्होंने कहा हाँ जी वो कहिंदा घर दे विच मां हैगी आ कहिंदा जी हैगी आ कहिंदा घर दे विच पत्नी कहिंदा जी पत्नी भी हैगी आ कहिंदा फिर घर दे विच कोई जवान बेटी भी होगी कहिंदा जी हैगी आ कहिंदा जिस निगाह दे नाल कहिंदा पंज धातू की मां आ पंज धातू की भैन आ पंज धातू की घर वाली आ जिवें दुध भी कहिंदे लिक्विड मास है ते दूजा तां मास फिर है ही पंज पंज धातू की है कहिंदा फर्क तां कोई नहीं जी फर्क कोई नहीं ते फिर कहिंदे जिहड़ा जो कुछ अपनी घर वाली नूं जिहड़ी निगाह नाल देखदा है वह निगाह दे नाल अपनी मां नूं ते भैन नूं भी देख सकदा वह थले लंबे पै गया पैरां च लिट गया वह कहिंदा नहीं जी चीज़ उही है देखो ये फर्क होंगे वह कहते जो अपनी घर वाली के नाल जो बहार करदा जिहड़ी निगाह नाल उहनूं देखदा अपनी मां नूं देख सकदा अपनी भैन नूं देख सकदा सो मान साहब इहदे उत्ते बहुत वड्डियां प्रतिक्रमां पईआं ने बहुत वड्डियां इहदे विच आ जो भी हैगा आ इह सारा कुछ संतां दा आ मैं थोड़ा आ जिहड़ा छोटा जिहा इक जवाब थोड़ा होर देना इह मान साहब तुहाडे लई आ ਐਵੇਂ ਖੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਦੇਣਾ ਕਿਹੜਾ ਮਹਾਨ ਪਾਪ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਤੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮਾਸ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਸੋ ਉਹ ਮਾਸ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਮ ਸੰਗਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੀਆਂ ਜੀ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਤਾਂ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰੀਏ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਸਲੋਕ ਆਉਂਦਾ ਮਲਾਰ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਮਾਸ ਮਾਸ ਕਰ ਮੂਰਖ ਝਗੜਾ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਕਿਹਾ ਸੁਣਿਆ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦੱਸਣੀ ਸੀ ਗੱਲ ਬਾਕੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੜਕਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੜਕ ਲੈਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਆਪੇ ਹਟ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਕਰਮ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਕਿਹਾ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ ਜਲਦੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।